समझ रहे हैं ना, तो लोगों को तो इंटरटेनमेंट चाहिए, वो मुस्बत चीजें कम चलती हैं। तो अगर देखो एक तैयब उर्दोगान है ना, तुर्की का सदर, मैं ड्रामों को जायज नहीं कहता लेकिन उसने भी ड्रामे बनाए, मैं नहीं कहता कि वो देखना जायज है, लेकिन फिर भी एक विजन तो रखा ना उसने जहन में कि खिलाफत उस्मानिया का सही तस्वीर दिखाना है, फैमिली सिस्टम को जोड़ना है। अभी तैयब उर्दोगान की एक स्पीच हमने सुनी, उसने कहा कि अपनी कौम को तरगीब दे रहे कम उम्री में शादियां करो। क्या तरगीब दे रहे अपनी कौम को? कम उम्री में शादियां करो, हमने अपनी नस्ल को बढ़ाना है। कि तुर्की को अफरादी कुव्वत चाहिए, जब नस्ल बढ़ेगी तो हमें फौज में जवान ज्यादा मिलेंगे, हमें साइंसदान ज्यादा मिलेंगे, हमें ताजिर ज्यादा मिलेंगे, तुर्की मजबूत होगा। एक विजन होगा तो वह ऐसी तकरीर करेगा, विजन नहीं है तो आपका मकसद सिर्फ दौलत पैसे कमाना, मगरबी ताकतों को खुश करना। तो वो पैसे तो इन ड्रामों ने बहुत कमाए, लोग कह रहे हैं बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर लिया ड्रामे ने। मैं कहता हूं भाई बिजनेस अरबों रुपए का कर लिया मगर कल्चर का बेड़ा गरक कर दिया। मुख्तलिफ जरियों से मुझ तक ये मैसेज पहुंच रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता लोग ड्रामों में बे इंतहा दिलचस्पी ले रहे हैं, रो रहे हैं ड्रामे देख देख के, ड्रामे सिनेमा घरों में चल रहे हैं, अपनी पूरी पूरी फैमिली कई कई किस्तें ड्रामों की, ऐसे जज्बाती हो रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि जैसे इसके बाद कभी देखना नसीब नहीं होगा, और बड़ी तारीफें, ऐसा ड्रामा, ऐसा ड्रामा, ऐसी फिल्म। तो मेरे भाई ये लघवियात हैं, ये वो चीजें हैं जिनमें टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जो लोग इन चीजों में दिलचस्पी ले रहे हैं, अल्लाह के कुरान के मुताबिक उनमें जन्नत की अलामत नहीं पाई जाती। आप ड्रामे देखते देखते कब्र में चले जाना, ये ड्रामे आपको अल्लाह की जन्नत से हमेशा के लिए महरूम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इंटरटेनमेंट है ना, तो याद रखो एक इंटरटेनमेंट जायज होती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा जरिया बनती है, आपके दिमाग को फ्रेश करती है। एक इंटरटेनमेंट वो होती है जो आपके जज्बात से खेला जा रहा हो और आपको गलत मैसेज दिए जा रहे हो। ड्रामों से, फिल्मों से आज तक कोई सीधे रास्ते पे नहीं चला, इन ड्रामों ने, इन फिल्मों में ने हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया है। कैसे कैसे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, तलाक देने के बाद बीवी उसी घर में रह रही है। आप बताओ जब हमारी बच्चियां ये चीजें ड्रामों में देखेंगी तो तलाक का जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया उसका वो तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बार बार ड्रामों में हलाला दिखाया जा रहा है, हलाला, तो क्या मैसेज जाएगा उन जवान लड़कियों और लड़कों को जो ये सब चीजें देख। मुझे एक बात बताओ, मेरे एक दफा बयान शुरू हुए कुछ वक्त मैंने तलाक का जायज तरीका बयान किया था, इस्लाम में जायज तरीका किया है, मैंने 2-3 किस्तें रिकॉर्ड करवाई, कंप्लीट किया, उसके बाद एक साल तक मौजू नहीं छेड़ा। लोगों ने मुझे कहा दोबारा, मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक चीज को जब बार बार लोग सुनते हैं तो चाहे वो सही सेंस में भी सुने उनकी नजर में वो चीज हल्की हो जाती है। मैंने कहा बार बार एक टॉपिक छेड़ूंगा तो ऐसा ना घर में तलाकें शुरू हो जाएं। समझ में आ रही है बात? ओ भाई एक चीज किताब की हद तक शरीयत ने बता दी, एक दफा बता दी, बार 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 उसी को, तो क्या होता है? एक आप एक चीज को बार बार जब सुनोगे तो जो चीज इंसान बार बार सुनता है जबान पर वो हल्की हो जाती है। मैंने कहा इससे घरों में तलाक का रेशो बढ़ने का खतरा कम नहीं होगा, एक चीज को बार बार रिपीट किया जाए। तो बताओ ड्रामों में बार बार तलाकें दिखाई जा रही है कि नहीं दिखाई जा रही है? फला की फड्डा हुआ, उसने उसको तलाक दे दी, डिवोर्स पेपर भेज दिए, वो तलाक दे, वो उसने वहां शादी कर ली, उधर तलाक ले ली, उधर आ गई, हलाला हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जब ये चीजें घरों में चलेंगी आपको कितना ही अच्छा ड्रामा लगे तो याद रखो आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। माएं बच्चियों को सिखाती थी बेटा डोली जा रही है तो अब जनाजे की खटोली आएगी वापस, बताते थे नहीं बताते थे? हम तो बचपन में सुनते थे भाई डोली जा रही है अब जनाजे की खटोली आएगी, तलाक लेके नहीं आना। हां जहां जायज तलाक है हम तो कहते हैं कि वो जायज है, उसमें इतना जुल्म जायज नहीं है कि बच्ची को बेड़ा गरक कर दिया फिर भी आप अलहदगी, लेकिन उसूल तो यही है ना कि ये बुरी चीज है। जब बार बार कल्चर में ये चीज दिखाई जाएगी, शौहर ने थप्पड़ मारा बीवी को, वो अदालत चली गई खोला लेने के लिए, हर घर में थप्पड़ भी होता है, हर घर में गाली गलौज भी होता है, ये तो नॉर्मल चीज है। थप्पड़ मारना सही नहीं है, अच्छा काम नहीं है कि शौहर बीवी पे हाथ उठाए, लेकिन सब कुछ होता है घरों के अंदर, वो बाद में सब सेट हो जाता है। लेकिन ड्रामों में जब दिखाया जाएगा शौहर ने बीवी पे थप्पड़ उठाया, हाथ उठाया और वो चली गई अदालत से खोला लेने, तो कल किस मर्द ने गुस्से में किसी औरत पे हाथ उठा लिया तो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगी क्या? उस थप्पड़ की तलाफी 100 दफा हो सकती है, मर्द मना सकता है, लेकिन अदालत से जब डिवोर्स होगी उसकी तलाफी नहीं होगी। मर्द के दिल में नफरत पैदा होगी, इससे मुझसे तलाक क्यों मांगी, क्यों गई है
डिवोर्स लेने के लिए, बच्चों के बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इन ड्रामों से फैमिली सिस्टम को जोड़ा नहीं जा रहा, जोड़ के नाम पे तोड़ा जा रहा है। और मैंने एक अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये चीजें तो फिल्मों में पहले ज्यादा दिखाई जाती थी तो ड्रामों पे इतना शोर क्यों? उन्होंने एक बड़ी पॉइंट की बात की, उन्होंने कहा कि फिल्मों में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो नॉर्मल माहौल से हटकर होती हैं, ड्रामे का मतलब ये होता है कि जो घरों में हो रहा है वो दिखाया जाए, इसको लोग ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, ना हुकूमत कंट्रोल कर रही है, ना कोई कैमरा वाले इस पर कोई नोटिस ले रहे हैं। सिनेमा घरों में चलना शुरू हो गए, सुबह शाम इतने क्लिप मेरे मुझे लोग भेज रहे होते, ये वाला मुफ्ती साहब ये सीन देखिए बड़ा टाइट सीन है, क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो तुम भाई, क्या हो गया है? मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, मैं मीटिंगें करता हूं बुला बुला के कि यार टाइम की बड़ी कमी है, मेरा सारा दिन इसी पे गुजरता है यार, बहुत सारे काम करने टाइम नहीं मिल रहा। जब रात को सोने के लिए लेटता हूं तो निदामत के साथ, अल्लाह की कसम मेरी ये हालत है कि यार आज बहुत सारे काम करने थे मगर आज भी रह गए। हम हैरान हो रहे हैं, आप दो दो तीन तीन चार चार घंटे कैसे टीवी के सामने बैठ जाते हो, टाइम कहां से आ रहा है आपके पास? इतना टाइम होना इसकी अलामत है आपका दुनिया में कोई विजन है ही नहीं। जिसका कोई हदफ होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो ड्रामों फिल्मों में टाइम जाया किया जा रहा है ना, खुदा की कसम मौत के वक्त हसरत का सबब बनेगा, मौत के वक्त। अल्लाह ने जिंदगी सिर्फ एक दफा दी है, कुरान के अल्फाज देखो कि मौत के वक्त अगर तुम सारी दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी टाइम वापस लेना चाहोगे ना, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तकदिमून, अल्लाह फरमाते एक मिनट तो दूर की बात, एक मिनट के एक करोड़ हिस्से कर लो ना वो भी नहीं मिलेगा। अभी बहुत टाइम दिया अल्लाह ने, अभी बहुत टाइम दिया है, चाहो तो ड्रामों में जाया कर दो, फिल्मों में जाया कर दो, सारा सारा दिन टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट के मैच देख के तालियां बजाते रहो, फलाने ये छक्का मारा फलाने चौका मारा, अभी बहुत टाइम है। लाइफ को खुदा की कसम जितना एंजॉय कर रहे हो 10 से जरब देके इससे ज्यादा एंजॉय करो, लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो ये सारे मजे किरकिरे हो जाएंगे। ये गैर मुस्लिमों के काम है, जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है उन पे ये चीजें सूट करती है, उनको मरना नहीं है ना, उनका तो ख्याल है मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं जिंदगी में जितना जल्दी जल्दी एंजॉय कर सकते हो करो, जिसका आखिरत पे यकीन है उसका कोई हदफ होता है कि मुझे एक जिंदगी मिली है दोबारा ये जिंदगी नहीं। ये हिंदुओं का नजरिया है कि 7 जन्म होते हैं, इस्लाम कहते हैं एक ही जन्म है, उसके बाद कयामत आ जाएगी, दोबारा कोई जन्म नहीं मिलेगा। और अल्लाह देखो, अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत देने के बाद भी आसमानों पर उठा सकते थे ना, और फिर कुर्बे क़यामत में नाजिल करते। अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पे उठा के ये मैसेज दे दिया कि जिसको कुर्बे क़यामत में नाजिल करना है उसको मौत नहीं दूंगा, आखिर में मौत दूंगा, इसलिए कि मरने के बाद उठा लेता तो तुम्हारे दिमाग में ये तसव्वुर आ सकता था कि शायद हमें भी मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिल जाए। तो मौत के बाद तो पैगंबरों को भी नहीं मिलती, तुम्हें कहां से मिलेगी, हमें कहां से मिलेगी भाई जिंदगी? तो अपने वक्तों को बर्बाद मत करें, इंजॉय करें, ऐसी चीजों को इंजॉय करें जिससे मुआशरे में तरक्की होती है। वो भाई जॉगिंग कर लिया करो, स्विमिंग कर लिया करो, फुटबॉल खेल लिया करो, थोड़ा सा वर्जिश हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, फायदा भी होगा एंजॉय भी होगा। ड्रामे से क्या एंजॉय कर रहे हो भाई तुम बैठ के, रो क्यों रहे हो ड्रामा देख के? वो तुम्हारा क्या लगता है जिसके साथ ये हो गया, रो रहे बैठ के जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखो इंसान के जो आसाब है ना, आसाब, इनमें अल्लाह ने महदूद सलाहियतें दी हैं। मैंने एक अंग्रेज नफसियाती डॉक्टर था, उसकी एक तहरीर खुद पढ़ी थी, काश मैं उसको महफूज कर लेता तो आपको आज मैं वो तहरीर दिखाता। उसकी रिसर्च थी कि दुनिया में जो डिप्रेशन, चीखो पुकार, मार धाड़, चीजों को तोड़ फोड़ का जो कल्चर आया है ड्रामों और फिल्मों से आया है। ये जो आज बच्चियां मां पे चीखती हैं ना, आप उनकी हिस्ट्री चेक करें, ड्रामे देख के चीखती हैं। मां ने कुछ तेज आवाज में बात कर दी, बच्ची एकदम चिल्लाएगी क्योंकि उसने ड्रामे में लड़कियों को चीखते हुए बोलो ना देखा। शोहर अगर गुस्सा करे, नहीं करना चाहिए लेकिन करे, तो इस्लाम कहता है तुम्हारा मोहसिन है, अगर किसी को सरदा करने की इजाजत होती तो नबी ने फरमाया कि औरत को हुक्म देता किसको सरदा करे, शोहर को। नबी ने औरत के फायदे के लिए यह बात कही है, शोहर को यह होगा कि मेरी बीवी मेरा एहतराम करती है, ऊंच नीच हो जाएगी मना लेगा बाद में, उसको पता है मेरी, बर्दाश्त कर लेती है, खर्चा पूरा करेगा, जो तमीजदार शोहर है। लेकिन अगर वो इसको गुस्सा आया हुआ है और उसने आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया तो घर चलेगा, बोलो ना भाई। और अगर बीवी ने कभी उल्टी सीधी कर ली,
और इसने बर्दाश्त करने के बजाय ड्रामा देखा था उसमें थप्पड़ मारते हुए देखा था, इसने भी रख के एक थप्पड़ रसीद कर दिया, तो इससे घर में मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। बोलो ना भाई क्या हो गया। बल्कि मैं तो इससे आगे कहता हूं कि ड्रामों में जो मियां बीवी दिखाए जाते हैं वो कोशिश करते हैं लड़का हैंडसम तरीन तलाश किया जाए और लड़की खूबसूरत तरीन। उस जोड़े को देखकर तो वैसे ही कोई मर्द को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती और औरत को अपना शौहर अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ये मियां तो ऐसे होते हैं, क्या मखनचू अब्बा ने मेरे मत्थे लगा दिया है। एक साहब मुझे कहते थे मुझे बीवी अच्छी नहीं लगती, मैंने कहा फिल्में देखना छोड़ दो अच्छी लगेगी तुम्हें। जिस गरीब के सामने सुबह शाम कोरमे कबाब घूम रहे हो उसे घर की दाल अच्छी लगेगी? बोलो ना भाई। ये तो सबसे पहला नुकसान है। तो ये उन लोगों के काम है जिनका आखिरत पर यकीन नहीं है, इनसे हमारा घर तबाह। ड्रामे वालों का विजन ये नहीं होता कि घरों के माहौल को अच्छा करना है, ड्रामे का विजन ये होता है कि पैसा कमाना है। हर वो चीज जो मार्केट में चलेगी उससे पैसा आएगा। तो मार्केट में नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं। मेरे क्लिप में देखो, मैंने यूट्यूबर्स को अभी कुछ कंट्रोल किया है, पूरे बयान माँ बाप के हकूक पर, बीवी बच्चों के हकूक पर चल रहा है, अल्लाह उसके रसूल के हकूक पर, दरमियान में एक लतीफा आ गया। लतीफा सबसे ज्यादा हिट होता है।